हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमसी वाली। और आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हो W3 क्लास CSS इमेजेस। इमेजेस कैसे यूज़ किए जाते हैं W3 CSS फ्रेमवर्क में, तो आज हम इसी वीडियो में इसी टॉपिक को कम्प्लीटली डिटेल में जानेंगे, ये काम हम कैसे करते हैं। ओके, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल पे न्यू हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखो, W3 क्लास इमेजेस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है। अब इसमें देखो, इमेजेस जो होती हैं वो चार तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम: राउंडेड, सर्कल, बॉर्डर्ड एंड टेक्स्ट। इमेज से रिलेटेड सारी कन्फ्यूजन, सारी कैलकुलेशन, सब चीज़ें आप इसकी आपकी इस एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले हम किसी प्रैक्टिकली थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, फिर आपको थ्योरेटिकल खुद भी समझ सकते हो, वो भी वैसे भी समझ में आ जाएगा। तो मैंने सबसे पहले क्या करा है, यहाँ पर विजुअल स्टूडियो में मैं आ चुकी हूँ। सॉफ्टवेयर में फाइल मैंने सेव कर रखी है ऑलरेडी, एंड कनेक्ट भी कर रखी है दूसरी फाइल से। ओके, demo.html के नाम से मेरी फाइल सेव है। अब देखो, इसमें मैंने एक इमेज ऐड कर रखी है। यहाँ पर इमेज आपको ऐड टैग ऐड करनी आती है बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में आपको ये सब बिल्कुल चीज़ें क्लियर करा चुकी हूँ। अगर आपको क्लियर नहीं है अभी भी, तो पहले आप एक बार इमेज की जो लास्ट क्लास है CSS में, उसे देखो एक बार। अब देखो, इमेज टैग, यहाँ पर मैंने एक इमेज ऐड कराई है, ये सब चीज़ें आपको पता है। यहाँ पर अभी मैंने कुछ भी क्लास नहीं दी है, मीन्स यहाँ पर जो इमेज आएगी वो सिंपल आएगी हमारी, जैसे भी होगी। ओके, देखो ये मैंने जैसे रिफ्रेश करा, यहाँ पर एक पैराग्राफ तो डिलीट था, सेव नहीं था, ये हमारी सिंपल इमेज ऐड हो गई। अब मैंने ये एक सिंपल इमेज क्यों ऐड करी है, किस लिए ऐड करी है, वो इसलिए ऐड की है जिससे कि मैं और जो इफेक्ट और जो इमेजेस ऐड करूंगी और उन पे इफेक्ट दिखाऊंगी, वो आपको डिफरेंट करके आप कैलकुलेट खुद से भी कर सकूं। तो हम जाते हैं अपने विनवर्ड में, और देखो सबसे पहली जो क्लास है वो है W3 Small, W3 Round। W3 Round का काम क्या होता है, W3 Round सबसे पहली क्लास है। W3 Round का काम देखो, यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊंगी क्या होता है। देखो, इन दोनों में आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पर ये हमने CSS में बॉर्डर रेडियस के नाम से यूज किया था। कॉर्नर पे जो ये गैप है, फर्स्ट इमेज में हमने कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रखा है, तो उसका नॉर्मल है, और सेकेंड वाली चारों साइड से हल्की सी राउंड हो चुकी है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कॉर्नर पर। मैं आपको एक बार सिंबल लगा के दिखा देती हूँ, जिसे नहीं दिख रहा पाया अभी भी, क्या चीज़ समझ रहे हैं हम यहाँ पर। तो देखो, हम ये समझ रहे हैं सेकेंड वाली इमेज में ये हल्की सी जो कॉर्नर से राउंड हो गई है, ये W3 Round का काम है। फर्स्ट इमेज में मैंने कुछ भी ऐसे इफेक्ट नहीं डाले हैं, तो उसमें ऐसा कुछ भी राउंड नहीं हुआ है। ओके, इसके बाद सेकेंड होती है हमारी W3 Round Small। W3 Round Small का क्या काम होता है, इसका यूज किया जाता है हल्का सा राउंड करने के लिए। मैं पहले कुछ इमेजेस ऐड ही कर लेती हूँ, जिससे कि आपको ये सारी चीजें में डिफरेंट भी साथ के साथ क्लियर हो जाए, आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। इसमें आपको हल्का सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ मैंने इमेज ली है अभी सेकंड क्लास के लिए, और जैसे कि हमारी जितनी भी क्लास है मैं उतनी ही इमेज ऐड कर लेती हूँ। अब हमारी पहली क्लास है W3 Small, इसे मैंने यहाँ से किया कॉपी। और प्रैक्टिकली देखना है तो हम यहाँ पर इसमें थर्ड इमेज जो है उसमें इस क्लास को क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो देखो, मैंने किया रिफ्रेश, रिफ्रेश करते ही यहाँ पर इमेजेस इस तरह आ रही हैं। फर्स्ट इमेज अगर आप ध्यान से देखो तो हल्की सी इसमें राउंडेड ज्यादा है, ये सेकंड वाली है जिसमें W3 Round क्लास है। इसमें लिखा है मैंने W3 Round Small। स्मॉल में क्या हुआ कि ये पहले वाले से थोड़ी सी कम हुई है, राउंड स्मॉल का मतलब हल्का सा राउंड हो जाए। अब देखो, नीचे की जो क्लासेज हैं, वेट, नीचे के जो इमेजेस हैं उसमें मैंने कुछ भी किसी भी टाइप की कोई क्लास नहीं दे रखी है, तो वो बाय डिफॉल्ट जैसी हैं वैसी आ रही हैं। ठीक है, तो अब हमारी सेकेंड क्लास होती है W3 Large। लार्ग का काम होता है कि हमें थोड़ा सा और ज़्यादा राउंडेड करना है, तो यहाँ पर हम फोर्थ इमेज को अपने को क्लास देने वाले हैं, यहाँ पर ही मैंने क्लास दी, और इसे रिफ्रेश करते हैं। देखो, इसमें क्या फायदा हुआ है कि ये थोड़ा सा और ज्यादा राउंडेड हो गई। फर्स्ट तो बाय डिफॉल्ट है जैसी आती है, सेकेंड हमारी W3 Round है, एंड थर्ड इमेज आपको कॉर्नर से देख रहे हो, तो इसमें हमने W3 Round Small यूज किया है, और फोर्थ में W3 Large यूज किया है, राउंड लार्क।
इसके बाद अगर आप XLR को डबल XLR का यूज करना चाहते हो तो इन दोनों का भी मैं एक साथ ही डिफरेंट दिखा देती हूँ आपको। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है कि सबसे बड़ा इमेज को बड़ा करने के लिए सबसे जो बड़ा साइज होता है वो कमांड क्या होती है। देखो रिफ्रेश करते ही अब आपको सब में डिफरेंट दिख रहा होगा। फर्स्ट क्या है हमारा, सिंपल बाय डिफॉल्ट जैसी आती है, सेकंड राउंड है और थर्ड है राउंड W3 राउंड स्मॉल एंड W3 राउंड लार्ज है ये फोर्थ नंबर पे, और ये फिफ्थ नंबर पे जो है वो एक्स लार्ज है और ये डबल एक्स लार्ज है। तो आपको इन सब में डिफरेंट दिख गया होगा बहुत अच्छे से यहाँ पर कॉर्नर में। अगर मैं आपको इसे जूम करके भी दिखाऊं तो आप समझ जाओगे अब कि हम क्या सीख रहे थे और क्या काम किया। ओके नेक्स्ट है हमारी टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट W3 सर्कल। W3 सर्कल का क्या काम होता है, ये किसी भी इमेज को बिल्कुल गोल कर सकता है। तो फर्स्ट वाली इमेज को मैं कर देती हूँ सर्कल में चेंज। ये बहुत जूम था। सेकेंड वाली इमेज हुई है सॉरी, तो सेकेंड वाली इमेज को हमने क्या कर दिया, सर्कल फॉर्म में चेंज। सर्कल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें क्या क्लास यूज करनी पड़ती है, W3 सर्कल। ओके आपको अभी ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। बॉर्डर्ड इमेज में क्या होता है, अगर आपको किसी इमेज पे बॉर्डर लगाना है तो उसके लिए आप क्या क्लास यूज करोगे, W3 बॉर्डर। ये मैंने कॉपी किया और जो सर्कल की थी उसी में साथ में पेस्ट कर देते हैं कि हम बॉर्डर और सर्कल दोनों चाहते हैं। तो ये हमारा बॉर्डर आ गया, बट बॉर्डर हमें दिख नहीं रहा है। मैंने क्या किया, उसमें बैकग्राउंड कलर डाल दिया पहले बॉडी में, क्योंकि बॉर्डर दिख नहीं रहा था। तो बॉर्डर आ तो चुका था बट हमें दिख नहीं रहा था, तो मैंने इसमें ऊपर कलर चेंज किया बैकग्राउंड कलर एंड यहाँ पर पैडिंग ऐड करी W3 पैडिंग लिख के। अब देखो इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह दिख रहा है। अब आपको इसमें बॉर्डर क्लियर दिख रहा होगा कि जो इमेज में बॉर्डर ऐड हुआ है वो किस टाइप का और कैसे ऐड हुआ है। ये क्योंकि दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने इसमें बैकग्राउंड कलर ऐड किया है। ओके नेक्स्ट क्लास है हमारी इमेज एज अ कार्ड। इमेज को आपको एज अ कार्ड शो करना है तो आपको उसके लिए क्लास देनी होगी W3 कार्ड फॉर जो भी आप देना चाहो। तो इसे हमने किया यहाँ से कॉपी। इमेज सबसे पहले आपकी किसी डिब में पैक कर ले तो ज्यादा बेस्ट होगा और हम इसे क्लास देने वाले हैं यहाँ पर W3 कार्ड, और इस डिप को मैं करती हूँ सबसे लास्ट में क्लोज। तो ये इफेक्ट हमारा आएगा सबसे लास्ट वाली इमेज पे। देखो अब इसका डिफरेंट भी नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें हमने बैकग्राउंड कलर लिख रखा है। ये डिफरेंट तो दिख जाता बट अभी नहीं दिख रहा है। तो देखो इसके लिए हम बैकग्राउंड कलर पहले मैं हटा देती हूँ और रिफ्रेश किया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इमेज टेक्स्ट। इमेज के साथ हम टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं या फिर टेक्स्ट को इमेज के ऊपर हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। अगर आप इमेज में टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आप उसको लिखना होगा क्लास देनी होगी W3 डिस्प्ले क्लास। अगर सपोज आप लेफ्ट कॉर्नर पर दिखाना चाहते हो टॉप में, तो आपको यहाँ पर ये टॉप लेफ्ट दिख रहा है लिखा हुआ। इस इमेज को ध्यान से समझो। देखो अगर किसी भी इमेज को आप इस कॉर्नर पर रखना चाहते हो तो आपको क्लास देनी होगी W3 टॉप लेफ्ट। अगर आप किसी भी इमेज को या टेक्स्ट को इमेज के ऊपर किसी टेक्स्ट को टॉप मिडल में रखना चाहते हो W3 टॉप मिडल एंड राइट रखना चाहते हो तो W3 टॉप राइट। सेम जैसा लिखा हुआ है वैसे ही हमें क्लास इसमें देनी होगी। ओके तो हम ये वाली क्लास भी देख लेते हैं किसी इमेज के ऊपर कैसे किसी टेक्स्ट को ऐड करोगे। ये इतनी सारी इमेजेस सब मैं हटा देती हूँ क्योंकि आपको ये सब चीजें मैं बता चुकी हूँ और आपको क्लियर भी हो गया होगा। इसे मैंने यहाँ पे सेव किया और सबसे पहले हम क्लास इसका नाम चेंज कर देते हैं। देखो इमेज के पिक्सल्स काफी फट रहे हैं क्योंकि ये बहुत जूम होके आ रही है। तो सबसे पहले मैं इसकी विड्थ चेंज कर देती हूँ।
अगर आप किसी भी इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखना चाहते हो, आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे लिखते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कॉर्नर पे लिखना चाहते हो तो आपको क्या क्लास देनी होगी वहां पर, W3 डिस्प्ले टॉप लेफ्ट, W3 डिस्प्ले टॉप राइट, जिस साइड भी आप देना चाहते हो, अगर बॉटम में लेफ्ट राइट देना चाहते हो W3 डिस्प्ले बॉटम लेफ्ट, आपको जहां पर भी क्लास देनी है उसके लिए इस तरीके से यूज करना होगा। ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। रेस्पॉन्सिव इमेज का क्या काम होता है? रेस्पॉन्सिव इमेज का मतलब है कोई भी इमेज अगर आप किसी लैपटॉप पे चला रहे हो कोई वेबसाइट, तो उसमें जो इमेजेस यूज हो रही हैं वो ऑटोमेटिकली अगर वो मतलब लैपटॉप के अकॉर्डिंग आ जाए, अगर आप लैपटॉप पे चला रहे हो तो लैपटॉप के अकॉर्डिंग आ जाए, टैब पे चला रहे हो तो टैब के अकॉर्डिंग आ जाए, रिसाइज हो जाए अपने आप ही, अगर फोन पे चला रहे हो तो फोन के अकॉर्डिंग रिसाइज हो जाए, इसे ही हम कहते हैं रेस्पॉन्सिव इमेज। इफ यू वॉन्ट टू द इमेज टू स्केल डाउन इफ इट हैज टू बट नेवर स्केल अप टू बी लार्ज देन इट्स ओरिजिनल साइज यूज द W3 इमेज क्लासेस। आपको यूज करनी होगी W3 इमेज क्लास का अगर आप उसे रेस्पॉन्सिव बनाना चाहते हो। इसके बाद के हम जो क्लासेस होंगी इमेज के से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओपेसिटी ग्रे और स्पेयर होवर इफेक्ट, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।